बोले थे बीमारी डाल के एक्सीडेंट करके बीमारी पे। हाँ कौन सी बीमारी डाल रहा था तू उसको? दिमाग। हाँ लगा पूरी ताकत लगा जोर से। हाँ क्या कर रहा था उसके दिमाग को तू बच्चे के? वो भटका रहा था। हाँ पागल कर रहा था। और फाइनल मार देने का था। कितने टाइम के बाद में? कितने महीने के बाद? कितने साल के बाद? जल्दी बोलने पर काट के जला दूंगा। हाँ जल्दी। एक साल में। एक साल में। अच्छा इसके घर से और किस किस को मारना था? बहन को, बच्चों को, किन किन को? सबको मारना जरूर पड़ा था। सबको एक एक से? हाँ। और क्या क्या कर रहा था उस घर में? क्या क्या परेशानियां लगा रहा था? सबको सता रहा था। सबको सता रहा था? क्या बोल के सता रहा था? क्या परेशानी कर रहा था तू? कुछ भी। पैसे से परेशान, किरकिरिया, झगड़े, काम आने बनने दे रहा था। अच्छा ये लड़की की तेरी क्या दुश्मनी? कुछ भी नहीं। फिर क्यों भेजा जादूगर ने तेरे? क्या बोल के डाला था इसके आंग में? देखा ना कितनी ताकत है यहाँ। यहाँ अल्लाह के कलाम की ताकत है। यहाँ सबको पकड़ के काट देते मनमाना करने वालों को। देखा नहीं देखा? देखा। ये ताकत है नबी के घराने की। आज भी अल्लाह ने कैसे रखा उनके चिराग दुनिया के अंदर। देखा ना? देखा। बाप का तेरा राज चल रहा है दुनिया में। कमबख्त कहाँ से पकड़ा था तुझे? शमशान से, कब्रिस्तान से जादूगर ने? कहाँ से पकड़ा था? कहाँ से? शमशान। शमशान से? कौन से गांव का शमशान था वो? नहीं मालूम। जलाओ उसको, जलाओ ना लाया। कितने साल से दाल के बच्चे के अंदर परेशान कर रहा था ये? कितने साल से? कितने साल से? नहीं मालूम। बस खाली सता रहा तो अंदर घुस के। तो इस साल की अंदर जलाओ उसको ना लाया। एक साल से इसकी शादी हुई क्या? हाँ, बीबी है। अच्छा इसकी बीबी को क्या परेशानी कर रहा था? उसको भी उसको मार देने का है। हाँ? अच्छा ये बच्चे पे जो जादू चला है तो किधर के लोग है? इसके माँ बाप के, खानदान के, ससुराल के तरफ के, किधर के? नहीं मालूम। जलाओ उसके अंदर से आग लगाओ उसको। कैसा नहीं मालूम उसको? याद आया पूरा जला दूं। हाँ किधर के लोग है? ननियाल। ननियाल के है ये छोकरे के? ननियाल के है। क्या नाम है इसका? अबरार के? ननियाल के है। औरत है आदमी है? औरत है। क्या दुश्मनी थी बच्चे के साथ ये? नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? बोलना तो पड़ता ना, पूरा जला दूंगा मैं। हाँ जल्दी बोल। दुश्मनी कुछ तो भी। क्या? जमीन जायदाद की, घर की, प्रॉपर्टी की, कई की? जमीन की से शायद। हाँ वैसा शायद मत बोल, सही बोल। कम बखने तो पूरा जला दूंगा। जमीन। हाँ जमीन। क्या था जमीन का मैटर? क्या मसला था वो? नहीं मालूम। नहीं तो जो तू छोड़ता ना तुझे पूरा जला दूंगा। दुनिया तुम्हारे बाप की है क्या? ना कमबख्तों किसके भी आंगों में घुस के किसको भी परेशान कर रहे? अभी तक कितने इंसानों को मारा? सही बोल। कितने इंसानों को मारा? बहुत लोगों को मारा। कहाँ कहाँ के लोगों को मारा? कैसा कैसा मारा? कैसा मारा? ऐसा लास्ट में क्या करता था लोगों को? बीमारी डाल के मार देता था कि सुसाइड करके मारता था? बीमारी पे डाल के। कौन सी बीमारी पे डाल के मारता था लोगों को? कोई भी दिमाग की बीमारी पे। अच्छा ये बच्चे को जो दवा खिलाई वो औरत ने किस चीज में मिलाकर खिलाई अबरार को? नहीं मालूम। बिरयानी। बड़े की, छोटे की, कई की? किस उसके घर पे बुलाई थी कि भेज के दी थी कि दावत में? कैसा भेज के दी? क्या टाइम था? क्या बोल के भेजी थी? क्या बोल के भेजी थी? क्या? रात के टाइम पे। वो औरत के साथ और कितने लोग मिले? आले तीन चार है। तीन चार है। क्या है नाम औरत का? नाम औरत का नाम اللهم فاطر السماوات والارض عليم الغيب شهدنا الله الرحمن الرحيم اللهم اني اعوذ اليك في حاضر الحياه الدنيا اشهد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك اشهد ان محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني الا نفسي فانك تكلني الا نفسي
إلا نفسي تقرب لله الشر ضمن قد وإن لا تقل الله رحمتي فجل إندك أحد توفي إندك أحد توفي إلا يوم القرد إندك أحد توفي إلا يوم القرد إنك لا تقل الميعاد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد ولصحابه أجمعين برحمتك أرحم الراحمين. चलो बोल क्या नाम है बोल उनका सुल्तान उसके साथ और कौन मिले आले उनके नाम उनके नाम नहीं कौन है वो औरत आदमी है आदमी देख रही अच्छा उसके कौन है वो उसके रिश्तेदार आए दूर के रिश्तेदार उसके उसके ससुराल की तरफ के थे कि उसके मायके की तरफ के लोग आए ससुराल के थे ये बच्चे के रिश्तेदार ही होते वो लोग बच्चे के नहीं उसके रिश्तेदार है वो औरत के आओ अच्छा छोड़ दो कैसा छोड़ेंगे तुझे नालायक तेरे बाप का रात चल रहा हाँ नहीं तेरे हथक काट के लेके बाहर टांग दूं ऐसे लोगों को मार रहा तू दिमाग के बीमारियां लगा लगा के इजाजत लिया था मेरी तू लोगों को बीमारियां लगा के मारने से पहले हाँ फिर कैसा मारता तू लोगों को जकड़ के रखो उस कुत्ते के साथ में तो बातों बाकर जल्दी में तेरे दोनों हथक कतर दूंगा खड़े रख ले रही तोबा जोर से कर जोर से अल्डा के कर सुने आना मेरे कानों को चीख मार जोर से उसके छोटे बच्चे को भी परेशान कर रहा था क्या तू क्या कर रहा था परेशान उसको भी ले जाने का था पसंद आ रहा था तुझे वो उसको मारना दिल बड़ा था बस और औरत को भी उसके दोनों को औरत को क्या तकलीफ दे रहा था उसके तू उसको जहनी तकलीफ दे रहा था देखा कैसी ताकत है अल्लाह के कलाम की तो देखा कमबख्त नालायक तौबा तौबा करते रहे कलिमा दोबारा परेशान नहीं नहीं दवा काट के वाली हो दिमाग पे कलेजे पे का नस नस में भिन गई दिमाग पे चढ़ गई ओ ठीक है तू तो निकल जा मैं दवा निकाल दूंगा तू अगर मेरे को दिखेगा दोबारा उसके आंख में आके परेशान करा तो तेरे को मार मार के खत्म कर दूंगा क्या बाहर तेरे को बन के डाल दूं बोल क्या गुलाम बन जाता मेरे पास में लोगों को परेशान नहीं करना दोबारा कोई इंसान को और नहीं तो मेरे पास आ जा बाहर रह जा मेरे फौज में शामिल होके आ जाता शामिल हो जाता मेरे पास में आ जाता हाँ चल फिर पढ़ क्या नाम है तेरा नाम बोल मरने से पहले क्या नाम था शमशान से पकड़ा हमने तुझे तो तू जिन्नात की नस्ल से इंसान की नस्ल से जिन्नात जिन्नात खबीस क्या नाम था तेरा क्या नाम है जल्दी बोलो तो दो टुकड़े कर दूंगा रोहन चलो अब आज के बाद तू कोई इंसान को परेशान नहीं करेगा आज के बाद तू मेरा गुलाम है किसका गुलाम है तू सैयद टीपू सुल्तान का बोल टीपू सुल्तान मैं आज से गुलाम हूँ सैयद टीपू सुल्तान का टीपू सुल्तान का आले रसूल औलाद अली के घराने का आले रसूल औलाद अली के घराने का खयामत तक मैं इस घराने का गुलाम रहूंगा ये मेरा वादा है मैं अगर वादा खिलाफी करूंगा तो फिर हजरत मुझे जला के राख कर देंगे ये मेरा वादा है आज से मैं पूरे तरीके से वफादारी करूंगा सैयद टीपू सुल्तान की आले रसूल औलाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके घर का गुलाम हूँ मैं आज से बर रोज़े क़यामत तक जो भी सैयद टीपू सुल्तान के बारे में बुरा सोचे या बुरा करने की कोशिश करे फौरी उनके दिमागों में घुसकर उनको वैसे वबाओं में घेर के मार दूंगा ये मेरा वादा है चलो बाहर जाके खड़े हो जा और जो भी लोग यहाँ आके जा रहे या दूर कहाँ तक भी तेरी रेंज है वहां तक भापते रहना लोगों के दिल दिमाग को कौन बुरा बोल रहा दिल से दिमाग से तो उनपे जाके तू फौरी हमले करेगा क्योंकि वैसे बदमाश लोगों को दुनिया में जीने का हक नहीं है जो अच्छा काम करते नहीं और अच्छा करने वालों को रस्ते में कांटे लाके डाल रहे तो उनको फौरी दुनिया से सफाया कर देना उनका उनके दिमाग के अंदर बीमारियां लगा के हलाक करना समझ गा
चल आज से तू हमारे घराने का गुलाम है, बाहर जाके खड़े हो जा, छोड़ दे वो बच्चे को। पानी का गिलास दो। हे अबरार, पानी पियो। कहाँ से आए थे? क्या होता था इनको? दिमाग जोर से बोलो। सर दुखता था बोलो। और सोना ज्यादातर सोते रहते थे। दुआ पानी करे? दुआ पानी करे। हाजिर हुआ था कहीं? नहीं, एक एक जगह हुआ था। सवाल जवाब हुए? हुए थे। क्या बोला था? हो गए थे, हो गया बजे। वो नहीं, भला ने क्या बोली? सवाल जवाब क्या हो गए थे जिन्नात के साथ? जो है वो चल जाते बोले थे। कौन डाले, क्या डाले, नाम निकला? नहीं बताया, नहीं बताए थे, बोला नहीं था हमने। कैमरा इधर से लेकर, क्या तकलीफ होती थी? जोर से बोलो। ये दिमाग, ये जाम हो जाता था बस। सर, कब से हो रहा था वो? ये अभी दो तीन महीने से। हाँ, देखो ऐसी दास्तान है कि अल्लाह ने फरमा दिया, तुम बोलेंगे कि हम जादू कोने को मानते नहीं, हम शैतान जिन्नात को मानते नहीं, जो हमको दिखेगा हम उसको ज मानते जो हमारे नजर से। इंसान की यकीनन फितरत है ये यकीनन इंसान की फितरत है। जैसा कुत्ते की दूम कैसी टेढ़ी रखता उन्हें उसकी फितरत है, वैसे इंसान की भी फितरत है। जब तक नजर से देखेगा नहीं तब तक उसका दिल और दिमाग वो बात को मानते नहीं। कितना भी तुम बोलो कहानी किसे सुनाओ, 50% मानते 50% नहीं मानते। जब आंखों से देखेंगे तो फिर 100% मानते। तुम बोलेंगे कि हमको शैतान दिख रहा नहीं, हमको जिन्नात दिख रहा नहीं, हमको जादू नजर आ रहा नहीं, खबर का आजाब नजर आ रहा नहीं, अल्लाह नजर आ रहा नहीं, तो हमारा दिल 50% मान रहा 50% नहीं मान रहा। ये मत सोचो तुम, यकीनन है तो है, पत्थर की लकीर है। कुरान के अंदर फरमा दिया अल्लाह ने कि जिन है, इंस है, इंसान और जिन हमने इबादत के लिए बनाए अल्लाह ने फरमाया। उसके बाद में शैताने हैं, खबीस है, उसमें तो 900 किस्म के अलग अलग बलाएं रखे अल्लाह ने। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आदम जा जमीन, या इनको हुक्म दिया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कि मैं आदम बना रहा हूं और मट्टी लेकर आए, वो सब तो वाकया तुमको पता है। आदम बनाया गया, उनमें रूह भी फूंक दी गई। तो आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों के लश्कर को जमीन पे भेजा था। जिब्रील अमीन लश्कर लेकर आए और आकर अल्लाह ने फरमा दिया था कि लश्कर लेकर जाओ और जाकर जमीन पर जो शर पसंद जिन्नात है बलाएं उनको कत्ल कर दो। क्योंकि जमीन पर बहुत उदम मचा के रख दी, शर फैला रहे बहुत दिखाना। क्यों? क्योंकि मैं मेरे आदम को जमीन पर फेंकने वाला हूँ, मेरा आदम जमीन पे आने वाला है, तो उसको उनका जहमत ना दे इसलिए उन सबको कतल कर दो। जिब्रील अमीन ने लश्कर लेके उतरे और सबको कतल कर दिए। सबको कतल करने के बाद एक 900 छोड़ दिए थे, बुड्ढे बच्चे ऐसे अलग अलग किस्म के। किस्सतुल अंबिया में पढ़ो तो तुमको पता चलेगा। 900 को छोड़ दिए, उनकी जान बख्श दिए थे। तो वो 900 से आज कितनी दुनिया होंगी जब एक आदम से इतनी दुनिया है, तो कैसा नहीं हो भी है। और उनके भी दुनिया में जादूगर पाए जाते। अकल से अंधे लोगों, तुमको एक बात नहीं पता, ये छोटे मोटे आमिलों को भी नहीं पता, इलाज वालों को भी नहीं पता। मैं तुमको बताता, मैं एक्सप्लेन कराता, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा तुमको? रियली मेरे को ही बताना पड़ेगा ना। जिन्नात भी जादू करते, ये बात पता है तुमको? तुम जादू नहीं करते, जिन्नात भी जादू करते। जादू जो है ना जिन्नात से अटैच नहीं रहता, जादू अटैच रहता रूहानियत से। और रूहानी जो रहती तो शरीर के अंदर रहती। रूहानी का राज अल्लाह ने तुम पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कराया, ज्यादा खोल के नहीं बताया कि रूहानी कैसी है, कहाँ जाती, कैसा कैद होती, क्या क्या करता, उसके साथ कितने हमजात बनाए वाले हैं, क्या है शैतानी वसवसे वाला। रूह पे जादू चलता, लास्ट में रूह को तो कैद करके लेके चले जाते अगर जान निकल गई तो। मगर मिनहा खलकनकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, बल्कि जो खबर में मट्टी डाल के साथ हमजात दबा देते तो जादूगर वो हमजात को उठाता और वो उठा के काम पे लगाता और वो दिखने में सेम रहता। शैतानी वसवसे वाला हमजात, हदीस में भी बता दिया कि तुम्हारे खबर पे चढ़ के बैठता और वो नेक इंसान का कमजोर रहता और गुनाहगार का ताकतवर रहता। गुनाहगार के हमजात को जादूगर अपने बस में लेता और लेके फिर काम पे लगाता। बहुत सारे थेरिये, बहुत सारे पार्ट्स बढ़ते तुमको क्या पता। और जिन्नात भी खुद समंदरों के अंदर जाके बैठ के जादू करते, बहुत सारे राज है तुमको क्या बताऊं मैं। चौथे आसमान तक जाते हो जादू करने के वास्ते। और चौथे आसमान से तुम बोलते ना सितारा टूट के गिर गया, मन्नत मांगो, अकल से पैदल हो, उन चौथे आसमान पे दरवाजे को कान लगा के सुनते। अल्लाह ने वहां से दरवाजा बंद रखा अल्लाह आसमान का, तो उन आसमान के दरवाजे को कान लगा के ये सुनते कि अल्लाह क्या फैसले दे रहा और क्या राज है, हमको पता चल जाना फिर हम जमीन पे आके लोगों को बेवकूफ बनेंगे। कि वो बोलते फैसला पहले सुन के आ जाएंगे और लोगों को बताएंगे, लोगों को खुद की बुतपरस्ती उनकी करने लगेंगे बलाओं की।
फिर अल्लाह क्या करता है, जैसा सुनते तो फरिश्ते क्या करते हैं, उनको बुरुज से मारते, तो मारते तो उन्हें जो गिरते तो तुम आपको तारा टूटती हुई शक्ल में दिखते। बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें तुम क्या बोलूं मैं एक्स वाई जेड, मगर इन शॉर्ट के अंदर बता दे रहा कि रूहानियत पे जादू चलता, जादू जो है जिस्म के ऊपर उसके असर जाहिर होते, जिस्म पे नहीं चलता, रूहानियत पे, रूहानी को निचोड़ देते, झंझोड़ देते और तुम्हारा सुकून बेसुकून करके तुम्हारा गर्क करके हलाक कर देते, उसको जादू टोना बोलते, बीमारियां लगा देते। अभी देखे नहीं क्या उसके दिमाग में तकलीफ दे रहा था, वो दवाई अंदर चढ़ के बट गया नहीं, वो तो निकालना पड़ेगा, चलो अभी बल्ला को मैंने बाहर निकाल के फेंक दिया, मगर वो दवाई उसको क्या करती, फिर ऐसा रिवर्स खींचने की कोशिश करती, जैसा लोक चिम्मक लोहे को खींचता वैसा, लोक चिम्मक को कहीं पे भी फेंको तुम लोहे के नजदीक कर जाता, उन्हें खींचते हुए लोहा उसके नजदीक जाता तो वैसा उन्हें उसको फिर अट्रैक्ट करके खींचने की कोशिश करती, तो अमल के दौरान में दवाओं को वो सब चीजों को गिरा देना पड़ता बाहर, वो सब जल के ड्राप हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो उसका फ्यूज उड़ जाता, फ्यूज उड़ा तो फिर उन्हें कहां से आएगा, खत्म रफा दफा। ये सब ऐसे दास्तान रहती है, तरीके है, बहुत सारे राज है। अल्लाह जब तो फरमाता ना कि जादू मत सीखो और जादू सीख कर लोगों को परेशान मत करो, तुम क्या समझ रहे जादू कोई चिड़िया का नाम है, इतनी खतरनाक वबा है जादू, इतना खतरनाक है सहर कि अगर चला दिए किस पे तो उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती। हर किस्म का जादू है, हर किस्म का जादू है दुनिया के अंदर, आज भी मौजूद है, मगर उसकी जानने वाले भी तो कम है दुनिया के अंदर, हटाने वाले भी कम रखा, और सबको इल्म दे के अल्लाह बिठाता हटाने वालों को, और जो चलाने वाले भी रहते तो वो जो दास्तान थी शैतान के साथ यहाँ रहते, और हटाने वाले भी बाद में जब नस देख, तुम क्या समझ रहे जादू हटाने वाला किसी को वो नहीं कर सकता, परेशान नहीं करता, उसको इख्तियार नहीं है किसको परेशान करने के, तुम कैसा लग रहा हटाने वाले हजरत बैठे आले, तो हजरत के पास में खाली हटाने का पावर है, वापिस पलटा के मारने का पावर नहीं है, समझ रहे तुम, वापिस पलटा के किसको मारते है पता है तुम आपको, जो रास्ते में आके कांटेदार रहा उसको वापिस पलटा के मारते, कैसा मारते मालूम, उन्हें जादू टोने का उसको मौका देते, सुधर जा जादूगर, क्योंकि अल्लाह के तरफ से अल्लाह वाले और बुजुर्गान दीन लोग शरीयत के हिसाब से देते, एक मौका देते सुधर जा, तेरा दिल और दिमाग के अंदर खाली जरी भी सोच अगर आ गई बुजुर्गान दीन के बारे में बुरी, तेरे पे फौरी हमला करने की शरीयत इजाजत दे देती और तेरे खत्म करके तेरे को घर मिटा के लपट के फिर देने का हुक्म दे देती शरीयत, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमा देता ना कि मेरे वलियों के बारे में, या हदीस खुदूस में फरमा देता ना अल्लाह कि मेरे वलियों के बारे में जरा भी तिल बराबर बोझ रखते दिल दिमाग में बुरी सोच तो समझ जाओ फिर मैं अल्लाह तुमसे खुले जंग का ऐलान करता, जब अल्लाह तुमसे जंग का ऐलान कर रहा तो अल्लाह ने शरीयत से इजाजत दे दिया ना, जंग अब करो उसके साथ, और जंग फिर होंगी तो तुम्हारे भागने को रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसा मारते तुम्हारे बलाएं घेर के, तुम्हारे सुधरन नहीं देते, तुम्हारे कमाई की बरकत उड़ा देते, धीरे धीरे तुम्हारे बीमार में घेर लेते, फिर तुम दवाखाने को जाते इंजेक्शन लेके आते और बोलते हमको राइट क्यों ना बोले खाते राइट क्यों ना ऑपरेशन करते डॉक्टर तोड़ के सिर दिमाग सब निकालते राइट क्यों ना फैज क्यों ना पहुंच रहा, फिर तुमको फैज कहां से पहुंचेगा, तुम डायरेक्ट आसमानी इसमें घिर गए आजाब में, आजाब अलग है और वबा और बलाएं अलग है, वबा और बलाओं को तुम जिन्नातों को बलाओं को जादू टोने को अल्लाह के कलाम से हटा ले सकते, मगर कलाम के तरफ से जब तुम्हारे ऊपर आजाब नाजिल होने का फतवा लगेगा और जब आजाब की लहर तुम्हारे ऊपर घेर लेंगी तो उसको कोई नहीं हटा सकता, आजाब को तुम्हारे ऊपर का कोई भी नहीं हटा सकता, क्यों नहीं हटा सकता, क्योंकि अल्लाह ने फरमान दिया है ना कि अब अल्लाह तुमसे जंग का ऐलान कर रहा, शद्दाद को जब अल्लाह ने आजाब में घेरा तो क्या उसको कोई बचा सका, उसको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई वली नहीं, कोई बुजुर्ग आने दिन ने आके बचाए, फिरौन को जब अल्लाह ने आजाब में घेरा जब कोई उसको बचा सका कि कोई, क्योंकि वो था आजाब था अल्लाह की तरफ से, वबा नहीं थी, वो आसमानी बला नहीं थी, आसमानी बला वबा रहती तो उसको दुआ से कुरान पढ़ के हदीसों से जो भी है दुआ या तो उसे हटा दे सकते थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब आजाब नाजिल होता उसको कोई नहीं हटा सकता, और आजाब अल्लाह खुद आके जमीन पे नहीं देता, अपने चुनिंदा बंदों से ले जाकर तुम्हारा टकराता, जो चुने वाले बंदे रहते ना वहां ले जाके तुम आपको टकराता, और टकरा के तुम क्या करते वहां वेद भी कर देते, तुम्हारा दिल जबान वेद भी कर देता, वेद भी कर दिए तुम फंस गए तो ऐसा फंस गए कि तुम्हारी सारी दौलत सब तुम्हारा रिवर्स खींच लेते, पूरा तबाही बर्बादी लगा के इतना खतरनाक आलम कर देता फिर अल्लाह, क्योंकि अल्लाह खुद थोड़ी जमीन पे आके तुम्हारा जहमत देगा, वैसा नहीं देता, ये निजाम इलाही है, ये निजाम इलाही कैसी चलती पता है तुम्हारा, तुम्हारे अगर आजाब में घिरना है तुम बड़े तुर्रमची है, बड़े तुम तुर्रा लगा के ताज पहन के भी घूम रहे तो तुम्हारे को क्या करता, दूसरे ताज वाले के साथ नहीं लड़ाता, पहले तुम्हारे जो उन्होंने चुनिंदा ताकतवर बंदे बना के बिठाया रूहानियत के अंदर उनसे ले जाके लड़ाता तुम्हारे आइडिया, तुम जाके लड़ते वहां पे और लड़े कि तुम फंस गए, तुमने गाली दे दिए लड़ दिए या बुरा सोच दिए दिल दिमाग में बुरा भी सोच दे तो शरीयत ने उसको फौरी इजाजत दे दी थी कि इसको मिटा दो, और उसको मिटा दो तो फिर उसको इतने बुरे तरीके से मिटाते आजाब में घेर के, तुम्हारे काम बंद हो जाते, तुम्हारे रोजी रोटी आना बंद हो जाती, तुम्हारे घर में भीख लग जाती, खाने को पैसा नहीं रहता, दवा गोली को पैसा नहीं रहता, लाशा ऐसे बीमारियां लग के सड़ सड़ के निकलते बाहर, और तुम लाखों रुपए दवाखानों में लगाने के बाद भी तुम्हारे लाशों को तीन तीन महीने फ्रीजरों में रख के डॉक्टर सड़ा के बाद में बाहर भेजते,
लो पैसे ले लेते बाद में फिर भेज देते, उसके बाद बोलते हैं चलो ये हो गया चलेगा अब हम क्या करेंगे, उसके हाथ में था वो बाद में पहले क्या बोलते हैं हम बचा लेते, हम यूं ऑपरेशन करके किडनी निकाल के दूसरी डाल देते, दिमाग डाल देते, अंधे ये मत करो, खुदा पे यकीन मत करो, भगवान पे यकीन मत करो, ईश्वर पे यकीन मत करो, जब काट देते टुकड़े तो बाद में आके बोलते आई एम सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते थे कि हमने जितना करे करे बाकी उसके हाथ में था। वो कभी याद आता डॉक्टरों को सबको सब टीम को ऑपरेशन होने के बाद मार देने के बाद तुम्हारे लपट के फेंक देने के बाद फिर बोलते सॉरी हमसे जितना था हमने करे बाकी तो ईश्वर अल्लाह उसके हाथ में था ना। अब तू दुआओं का दवा भी होना दुआ भी होना वो बाद में बोलते तुम्हारे डॉक्टर, पहले क्या बोलते अरे छोड़ो जी ऐसा रहता नहीं कहीं की दुआ कहीं की दवा, हम अभी दिमाग निकाल के बदल देते कर देते, और जब पेशेंट टपक जाता जाया हो जाता ऑपरेशन फेल हो जाता तो जब उनको भगवान ईश्वर अल्लाह याद आता डॉक्टरों के फिर तुम्हारे जब याद दिलाते। बहुत सारे बातें हैं बहुत सारे राज हैं मगर मैं बार बार सब लोगों को ये बोलता कि 100 रुपए से जादू टोने मत करो, ऐसी हरकतें मत करो, क्या क्या बताऊं मैं, मेरे को सारी दास्तान सब बता दे। तुम कितना भी हवा में उड़ रहे कितने भी बड़े तुम लोग बन जाएंगे कुछ भी करेंगे वैसे दूसरे घर गर्म पानी से जलेंगे, तुम्हारे दौलत पे तो वबा नाजिल हो जाएंगे अल्लाह की तरफ से आजाब नाजिल हो जाएगा, तुम्हारे जिस्म पे अगर आजाब नाजिल होगा तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर वो आजाब को नहीं हटा सकती। फिरौन के पास तो लश्कर था, शद्दाद की तो हुकूमत पूरे दुनिया पे थी, फिर क्यों नहीं नमरूद की तो हुकूमत पूरे दुनिया पे थी, अल्लाह ने उसको ऐसी हुकूमत दिया था जहां से सूरज निकलता जहां तक रुकता वहां तक, क्यों नहीं फिर उन्हें बच सका, एक मामूली मच्छर ने क्या वबा नाजिल करके बताया था अल्लाह ने, एक मामूली मच्छर के थ्रू उसका आलम क्या करा था। तो ये सब दास्तान है कहने सुनने से अल्लाह से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक दे। मैं बार बार ये भी बोलता हूँ तुम्हारे लोगों को कि रिस्पेक्ट करो इज्जत करो वली अल्लाह बुजुर्गान दीन इनका जलाल इनका लव अल्लाह से अलग मामला रहते वो उनको तुम बुरा नहीं बोल सकते, तुम अगर बुरा बोलेंगे तो तुम्हारे को अंदर से बुरा बोलने लगा रही कोई बला या शैतान समझ कंट्रोल करना, क्योंकि वली अल्लाह और बुजुर्गान दीन के बारे में सिर्फ अंदर बैठे ही बला बुरा बोलने लगा दी तुम्हारे बाकी कोई नहीं, जाके टकरा दी कि खत्म। क्योंकि अल्लाह क्या बोलता हूँ उनके बारे में खाली तुम सोच, अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है, अल्लाह तुम्हारी सोच क्या है तुम्हारे दिल दिमाग में क्या सब देख लेता सब मालूम। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम अगर जरी भी सोच बुरी रखते तो फिर अल्लाह से जंग का ऐलान होता तुम्हारा, अल्लाह फरमाता है तुमसे खुले जंग का ऐलान करता, फिर कहाँ जाएंगे कौन सा कोर्ट दुनिया का तुम्हारे बचेगा, कौन सी कचेरी बचा सकेंगे, कौन सी अदालत, कौन सा जज, कौन सा राजा तुमको नहीं बचा सकता, कोई नहीं, कोई पुलिस, कोई राजा, कोई मिलिट्री, कोई जज नहीं, सबको पश्त कर देता अल्लाह, मुंह के बल गिरा देता आंदा, इतना खतरनाक जलील कदर है रब्बुल आलमीन। अगर जलाल में आगा तो देखे ना क्या खाने काबा की हिफाजत कैसी करा था चिड़ियों के झुंड को भेजकर, अबरा ने ये बोल के निकला था कि तो तोड़ दूंगा काबा माजल्ला ऐसे ही काबा उधर ले जाके बनाऊंगा और उसके बाद में बुत परस्ती का अड्डा बनाऊंगा, क्या 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 सब बातें करके निकला था उन्हें अबू मुतल्लिब रजी अल्लाह तआला ने हम चौखट खाने काबा की पकड़ के बोले थे कि अल्लाह तेरा मकान है तू इसकी हिफाजत कर, हम चले जा रहे पहाड़ों पर चले गए तो अबाबीलों के झुंड को भेजा था और कैसा अबरा धूल चटा दिए थे उन्होंने, पहुंचने से पहले मुंह के बल गिर के हलाक हुआ था पूरे लश्कर के साथ में। तो वही तो आज थेरी दुनिया फॉलो करती जो हवाई हमले कर रहे आज जो हवाई हमलों से बमा गिरा रहे, तो वही तो अबाबील की थेरी है ना वो कि मुंह में एक चोंच में और दो चोंच में और दो कंकर पैर में दो कंकरे लाके गिरा रहे थे वो, और वो आंख के शोले की तरह कंकरे बन के उनके ऊपर गिर के आर पारों की जमीन को लग रहे थे। तो ये सब आलम पढ़ो ये सब बाकी पढ़ो तो ये सब दास्तानें पता चलेगी, बाकी अनापना मत करो, मैं तुमने कोई इबादत नहीं कर सकी शैतान के उतनी जितनी शैतान ने इबादत करा, कर सकते तुम शैतान ने रोए जमीन का कोई ऐसा कोना नहीं है जो अल्लाह के वास्ते सजदा नहीं करा उन्हें, कितने बड़े मकामात पे फाइज हुआ बाद में उन्होंने जरा अनापना और घमंड करा अल्लाह के सामने ना फरमानी करा तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो बोले मैं इसको क्यों सजदा करूं मैं आंख से बना लो ये मट्टी का है मैं नहीं करता, क्या आलम हुआ फिर मलून का लकब मिला बदबख्त को खयामत तक के वास्ते अपने गले में खाए उसका लानत का तौफ पिना दिए और ला महदूस जिंदगी में भी उसके गले में लानत का तौफ रहेगा जहन्नुम स्पेशल बनाने वाली उसके वास्ते उसमें उसको डालेंगे सब आलम। पता चला ना तुम्हारे को ये सब दास्तान है तो ये जो बातें हैं तुम अनापना अगर करेंगे और बोलेंगे मेरा सजदा कर रहे, मैंने देखा है घर एक मैंने एक शख्स को देखा उन्हें सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा था उससे मैं ये बात तुम्हारे बता रहा कि सूरह यासीन पढ़ रहा और लोगों पे जाके जादू कर रहा उसका नाम थोड़ी छुपता मेरे सामने क्या छुपाना चाहेगा तू कुछ भी नहीं तेरे जेब में क्या तेरे पेट में क्या मेरे को जिन्ना आता शैताना बोलते सामने और मैं पूछा तो लाइयू मैं बता रहे उसके जेब में क्या उसके पेट में क्या बोलते हैं मतलब मेरे से तुम थोड़ी रात छुपा। एक शख्स को मैंने देखा उन्हें सूरह यासीन पढ़ रहा और पीछे से जाके लोगों पे जादू टोने कर रहा मैंने उसको पूछा कैसा क्यों कर रहा तू उन्हें भी सुन रहा हूँ आज नाला अपनी खट्टू एक ही बेटी है उसको और बड़ा और औरत की जान पड़ गया था तो उसके घर पे वो गए थे करे थे जो भी दास्तान बहुत पहले गए वो एक साल डेढ़ साल रही पूछा कैसा क्यों कर रहा तू हरकत वो क्या बोल रहा बोले मेरे को थोड़ी कोई कुछ कर सकते बोले मैं तो सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा हूँ ना मेरे को थोड़ी कुछ कर सकते मैं
अरे अकल के अंधे तेरी इबादत तेरे मुंह पे फिर के मार देते हैं। अगर तू क्या बोलते तो ऐसी हरकतें करेगा और बाद में आके सूर्य यासीन पढ़ के सजदे करके अल्लाह को मनेगा तो कुछ गुनाह ऐसे है कि जिससे तूने गलती करा उससे जाके माफी मांग, तो अल्लाह बोलता उन्हें तुझे माफ करा तो मैं तुझे माफ करूंगा। और कुछ गुनाह ऐसे है कि जो तू डायरेक्ट अल्लाह के सामने, अल्लाह के गुनाह जो अल्लाह के इसमें आते, जैसे तूने समझ नमाज नहीं पढ़ा वो अल्लाह के इसमें गए, जैसे तूने और कुरान नहीं पढ़ा वो पाक परवरदिगार के हक में गए। तू वो तो हर चीज पर अल्लाह कादिर है, मगर अल्लाह खुद फरमाता ना तूने उसका दिल दुखाया जा उससे माफी मांग, उसको तूने मारा जा उससे माफी मांग, तू उसको मार के ना अल्लाह से माफी मांगे अल्लाह तक कुछ माफी देगा दे सकता अल्लाह तक नहीं। तू कुरान नहीं पढ़ा तो अल्लाह तक माफ कर सकता, तू नमाज नहीं पढ़ा तो अल्लाह तेरे उस बारे में सोचेगा क्या करना, तेरे को नमाज की सजा देना के जानों में डालना, वो अल्लाह से अटैच तू गुनाह करेगा वो बात अलग है, वो गुनाह की लेवल अलग है, ये गुनाह की लेवल अलग, तू ये गुनाह करेगा तो इस पे भी अल्लाह कादिर है, मगर अल्लाह इस पे डायरेक्ट माफ करा तो उसके साथ ना इंसाफी होंगी ना जिसपे तूने जुल्म करके आया था, तो उससे जाके तेरे को माफी मांगना पड़ेगा क्योंकि अल्लाह रहमान और रहीम है और पाक परवरदिगार इतना ताकतवर है कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे सोचे जहां से खत्म हो जाती, एक मामूली गैलेक्सी के अंदर एक मामूली गोले पे रह के तुम एक मामूली गोले के अंदर मामूली रेंगने वाले कीड़े तुम, मगर फिर भी अल्लाह तुमसे कितना रहम करता, तुम पे कितनी मोहब्बत, कितना रहमान और रहीम है, उतना पावरफुल तुम्हारा बादशाह रब्बुल आलमीन हर चीज पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, सारे गैलेक्सियों पे, गोलों पे, सूरत पे, चांद पे, जमीन पे, मुर्दों पे, जिंदों पे, पत्थर पे, हर चीज पे हुकूमत करता अल्लाह, उनको बताया भी ना उसने सब दास्तान। तो सूरह यासीन पढ़ रहा इधर से माफिया मांग रहा अल्लाह से, उधर जाके लोगों पे जादू कर रहा, तो मैंने उसको बोला, उसको मैं कुछ नहीं बोला, उसको खाली मैंने सुना ना, ठहर तुम जब मार पड़ी तेरे हाथों जब टेढ़े होंगे जब तुझे पता चलेगा क्या रहता आलम और क्या रहती दास्तान, कम बखत निकट तू नालायक तो बेगुनाह लोगों पे जादुआ करेगा ना कि सूरह यासीन पढ़ के अल्लाह से माफी मांगेगा, अल्लाह से कैसे माफ करेगा, अल्लाह ने रूल्स बनाया, अल्लाह ने शरीयत बनाया ना, पढ़ शरीयत भी अलग अलग किस्म की रखे लिए, एक ही शरीयत का रास्ता तुमको मालूम है, दो शरीयत तुम्हारे छुपा के रखे लिए, वो मैं पता हूँ तुम क्यों बोलो, वक्त आने पे बताऊंगा, बहुत सारे राज है तुमको थोड़ी पता है सब, कौन शरीयत के दायरे में आता कौन उसके आगे की शरीयत के दायरे में आता कौन अलग शरीयत में, तुमको नहीं पता सारे बातें, उतना इल्म नहीं सिखाए वाला है तुम्हारा, तुम खाली आलिम उलमा दीन का इल्म सिखाए वाला है, इल्म मूसा, इल्म खिजर, इल्म दाऊद और इल्म आसिफ बिन बरकिया, दोनों अलग है, इल्म दाऊद, इल्म सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम और आसिफ बिन बरकिया, जमीन आसमान का फर्क है दोनों के इल्म में, अलग अलग रखा अल्लाह ने, तो तुमको कौन सा इल्म दिया अल्लाह है, तुमको वो इल्म दिया अल्लाह है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम का, खिज़र अलैहिस्सलाम का नहीं दिया, जो तुमको इल्म कौन सा दिया अल्लाह है कि सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, वैसी शरीयत बहुत शरीयत दिया तुम्हारा, और तुम्हारा वो जो बातिनी इल्म जो गैबी इल्म है वो छुपा के रखे, सब बहुत सारे राज है, खैर अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक दे, मगर ऐसे हरकत नहीं करना है, जादू टोने बलाएं वबाएं वाकई में इंसान को मारते, जो डेट बोले वो डेट पे ले जाते, ये सब मैं देख के बैठा और प्रैक्टिकल में दुनिया को दिखा के बैठा, सड़ा देते जिसम को, गला देते, मार देते, बहुत तरक्की कर रहा, तरक्की रिवर्स खींच देते, बहुत बड़ा तुरमची बन रहा दुनिया के अंदर, कंपनी चला रहा, कंपनी को गिरा देते, अरे बहुत कुछ करते, इसलिए अपनी बंदिशें करा किया करो और अपनी बंदिशों में रहो तो महफूज रहेंगे, तुम घर के बाहर सिक्योरिटी लगा रहे, गाड़ा लेके फिर रहे तो ठीक है, तुम इंसानों से महफूज हो रहे, जिन्नात शैतानों से कैसा महफूज होंगे, उनसे भी तो तुमको महफूज होना पड़ेगा, नहीं तो जान नो एंट्री में एंट्री मार के चल जाते हो उसके तबाह का बर्बाद करके, बहुत सारे बातें अल्लाह का इंसान ज्यादा सब कमेंट करने की तौफीक दे। कहाँ से आए थे? औरंगाबाद से।